सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमें आज तारिक फतेह साहब ने ज्वाइन किया है, हम उनसे पता करने की, समझने की कोशिश करेंगे अफगानिस्तान की सिचुएशन को। और सर आपकी तरफ चलती हूँ, क्या कहेंगे? सुना है कि अशरफ गनी जो है वो मुल्क छोड़ के कहीं निकल गए हैं, कहाँ चले गए हैं? और ये अफगान मीडिया बता रहा है, काफी कह रहे हैं जो काबुल में जो सबसे बड़ी जेल है उस पे भी तालिबान ने कब्जा कर लिया और अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान में भी उनका एक डेलीगेशन पहुंच चुका है, जिसकी कंफर्म न्यूज आ गई है, कई लोगों के नाम भी आ गए हैं उसमें। तो ये पाकिस्तान में क्या करने के लिए इनका डेलीगेशन पहुंचा है? पाकिस्तानियों की आप खुशी का अंदाजा देखिए, उनके तो जैसे मोरल आसमानों पे पहुंच गया है कि तालिबान जीत गए। ये तो इनकी अपनी फौज थी, पाकिस्तान की जनरल मुशर्रफ की बनाई हुई, हर यूनिट के अंदर इनकी फौज का हिस्सा होता है। सो इट इज़ एसेंशियली पाकिस्तान विक्ट्री ओवर देयर अगेंस्ट द अफगान पीपल। तो अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान ने पिछले कोई 40 साल से इस्तेमाल किया है, दूसरे मुल्कों ने भी किया है, और उनको पर लंबी बात हो जाती है कि उनको अपनी राह पे चलने की इजाज़त नहीं दी पाकिस्तान ने, कि अगर वहाँ पे भी जो सोअर रेवोल्यूशन आया था जिसके अंदर नूर मोहम्मद तराकी और ये सब लोग थे, बबरक करमाल का भी जिक्र है, कि अफगानिस्तान जो एक मेडिवल वैल्यू सिस्टम से चल रहा था उसे वो एक बाकायदा लेफ्ट विंग जिसे कहिए उसकी फिर हुकूमत पाकिस्तान ने तख्ता उलटने की कोशिश की, उनको ठेका मिला। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हवाना में एक कॉन्फ्रेंस थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, जहाँ पे ये अपने ज़ियाउल हक साहब और उसके बाद भुट्टो साहब ने भी, ये उससे पहले भी डिटर्मिनेशन ये थी कि अफगानिस्तान को हम जीने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो एक इस्लामी रियासत हैं जिसका उम्मत से ताल्लुक है। और ये अफ़ग़ानिस्तान जो है, किंग ज़ाहिर शाह ने भी 1947 अगस्त 14 को पाकिस्तान को अपोज़ किया था, क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान ने कभी ड्यूरेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, जो वो अंग्रेज़ बॉर्डर बना के गया पश्तूनों के दो टुकड़े करके। पंजाब डिवाइड हुआ तो सिखों और मुसलमानों और हिंदुओं को, बंगाल डिवाइड हुआ तो एक तरफ हिंदू दूसरी तरफ मुसलमान, पश्तूनों को जो डिवाइड किया था वो दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों की एक ही जबान थी। यानी अटक का जो शहर है उसके वेस्ट में तमाम एरिया पश्तून एरियाज थी, वहाँ की कब्रें भी अलग होती हैं पंजाब से, जहाँ रिवर काबुल दरियाए सिंध में जाके राइट एंगल पे मिलता है, वो नेचुरल बॉर्डर था हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का तारीखी तौर पे। एंड उसको ड्यूरेंड लाइन जो अंग्रेज़ ने बनाई थी, उसको किंग ज़ाहिर शाह, उनके बाद प्रेसिडेंट दाऊद की बात कर लीजिए, बाकी सोअर रेवोल्यूशन वालों की बात कीजिए, और तालिबान भी, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया आज तक। तो अब ये देखिए जान को आएगा मसला। और पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी फौज और ISI के थ्रू ये फौज भेजी, तालिबान को हेल्प किया, और जो लोगों ने डिनाई किया कि नहीं साहब, वो जो कनाडा के फॉर्मर सिटीजनशिप मिनिस्टर क्रिस अलेक्जेंडर कह रहे हैं गलत है कि पाकिस्तान की फौजें हेल्प कर रही इनको, उसने दूसरे दिन तस्वीरें दिखा दी जो पाकिस्तानी साइड पे बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं जिनको रिक्रूट करके तालिबान में डाला जा रहा है। फिर आपके बलूचिस्तान में जो डेथ स्क्वाड्स हैं शफीक मेंगल के, अगर आपने नाम सुना हो, जिनका काम है बलोच नेशनलिस्ट को मारना, उनके जिहादियों को भेजा गया उस प्रोविंस में जो अफगानिस्तान में बलोच इलाका है निमरूद का,
वहाँ इनके डेथ स्क्वाड्स गए, उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं है. तो दिस वॉज अ वेरी कंसर्टेड अटेम्प्ट एंड फ्रॉम पाकिस्तानी परस्पेक्टिव अ ग्रेट विक्ट्री. इन्होंने तो आज अपना वो ढाका का रिवेंज पूरा किया है. अब वो जो बाद में आएगा इनके गले पड़ेगी, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट अफेयर. बट पाकिस्तान हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अ रोग स्टेट, जो दुनिया भर को पता है कि अब यहाँ अलकायदा, आइसिस, ये सबका गढ़ बनेगा. जो भी बैठा हुआ है इस पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा और एक खिलाफत चलाने के लिए, वो यहाँ वीर बी वेलकम. एक नया बिन लादेन आएगा, एक नए मुल्ला उमर होंगे. अब कोई सुना मुल्ला ब्रदर हैं, इज नॉट माई ब्रदर, बट देखिए कितनी तबाही मचेगी. लेकिन सर यहाँ पे अब इसका मतलब है कि ये तो वही तालिबान है जो ये 20-21 साल पहले थे, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, ये आज भी टेररिस्ट हैं? क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह के इन लोगों ने लोगों को मारा है, औरतों को मारा है, बच्चे तक को नहीं छोड़ा, तो ये बदले हुए तो नहीं है? पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, यहाँ के मिनिस्टर्स भी मानते हैं, हमें नजर भी आता. फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि उसी तरह के ब्लास्ट और उसी तरह के जगह जगह पे जो चल रहा था कि कभी कहीं किसी सिटी में ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या फिर वो शुरू होते हुए देख रहे हैं आप दोबारा से ये वही काम फिर शुरू कर देंगे? नहीं, उनको क्या जरूरत है? बगैर ब्लास्ट के आप उनके नौकरों की तरह बैठ गए उनके कदमों में. वो ऊंची ऊंची शलवारें और लंबी लंबी कमीजें पहने हुए घूम रहे हैं शहरों के अंदर, AK-47, जिन लोगों से पिन नहीं बजी, सेफ्टी पिन नहीं बना सका जो, वो AK-47 इस तरह घूम के रहे हैं जैसे बिल्कुल हलाल चीज़ उनके हाथ में चढ़ गई है. इतना ही इस्लामी शरिया का शौक है, तो ले निकाल लो अपने नेज़े और तलवारें, फिर कर लेते हैं जंग. लेकिन दीज आर वेरी रोग पीपल, जो ये मुस्लिम नेशनलिज्म का जिसमें ज़्यादा जोर है वो मोहम्मद अली जिन्ना वाला, और ये इस्लामी सोच इसमें इतनी नहीं है कि वो ये करेंगे. इनको अब सपोर्ट आप देखिए चाइना से मिलेगी, ईरान के साथ इनका हो गया है, चाइना और ईरान, ये पूरा नेक्सस बनेगा पाकिस्तान, तालिबान, ईरान और चाइना का. और उनका फंडामेंटल एम है कि हिंदुस्तान को किसी तरह नीचे गिराया जाए, और हिंदुस्तान में यह हालत है कि वहाँ किसी को पता ही नहीं होता कि होता क्या, वो बजा के आराम से बैठे रहते हैं. लेकिन वहां पे जो मैं आज देख रही थी उनके टीवी पे जो आज बातें हो रही थी, तो वो तो ये बता रहे हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है तालिबान से, हमें वो कुछ नहीं कहेंगे, कश्मीर के लिए भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी हाँ. एक अलग ही मतलब एक कहानी या डील कह लें, जो कह लें, वो चल रही है, वो कुछ और बता रहे हैं. तो हिंदुस्तान में डरपोक लोगों की कोई कमी है क्या? वो अपने आप अपने खौफ और अपनी क्या कहूँगा कावर्डिस को कवर देते हैं एज इफ दे आर इंटेलेक्चुअल्स. आप कुछ भी कर लीजिए, आप बम्बे पे हमला कर ले पाकिस्तान, वापस आ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे. लोकसभा पे भी तो हमला किया ना पाकिस्तान ने, वो क्या करेंगे? वेन अ कंट्री इज सोली इंटरेस्टेड इन मनी मेकिंग एंड सेलिब्रेटिंग इट्स पॉवर्टी एंड नेवर स्टैंडिंग अप फॉर एनीथिंग, वो कम से कम पाकिस्तानी तो मरना चाहता है, वो मरना भी नहीं चाहते. पाकिस्तानी तो कहता है कि मैं मरूंगा, फिर जन्नत जाऊंगा, फिर वहां से लड़कियां लेके वहां मजे करूंगा, फिर देखूंगा, बताऊंगा, रिपोर्ट दूंगा. ये तो कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ MBA की डिग्री चाहते हैं. और द चांसेस आर दैट दे आर नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट एनीवन, बिकॉज इसमें किसी का फायदा नहीं नजर आएगा. कोई अपना बेटा नहीं भेजते हिंदुस्तान में कि जाके लड़के आओ. मुझे सबसे बड़ा खौफ ये है कि पाकिस्तानी ठुकाई वुकाई कर देंगे इनके, क्योंकि द ज़ील विथ विच यू वॉच व्हाट इज योर फ्यूचर, आप पे कैसे 1000 साल बर्बरियत के गुजार दिए तुर्कों ने और अफगानियों ने और पर्शियंस ने. कोई लूट के जा रहा है, कोई नादिर शाह बन रहा है, कोई क्या कर रहा है. अब बैठे हुए आराम से बोले अच्छा भाई कल देखेंगे ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान से टमाटर खरीद लो और प्याज और सीमेंट ये सस्ता मिल रहा है.
It's a terrible defeat for India, even if Indians don't believe that this has happened. I don't think any Indian will agree with me on this, but it is a solid defeat for India's defense policy, India's regional policy. India is left with no one around there. आपने पोर्ट बनाए ईरान में, वो चला गया चीन के हाथ में. फिर डैम बनाए अफगानिस्तान में, वो चले गए तालिबान के पास. ये बहुत खुश हैं, कहते हैं साहब हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे निकल गया और बड़ा सही बना. फॉर गुडनेस सेक, कोई कभी गुस्सा आता है इनको? नहीं आता. वहां हिंदू और सिखों के साथ जो अब होने वाला है, आप क्या समझते हैं? लेकिन सर, इतने साल अमेरिका रहा तो क्यों कुछ नहीं कर पाया? दूसरा, ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट इतनी कमजोर कैसे साबित हुई कि ये इतने जल्दी अपने इन्होंने हथियार डाल दिए और ये भाग गए वहां से छोड़ छाड़ कर? देखिए, ट्रेनिंग व्रेनिंग किसी की नहीं हो रही थी. ये सारा खेल अमेरिका का था, अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ठेका मिलता था. अब अफगान एयरफोर्स के जहाजों की मेंटेनेंस एक प्राइवेट कंपनी अमेरिकन को दी हुई थी. वो अमेरिकन से पहले तो वो भाग गए, तो जहाज तो जमीन पे ही खड़ा हो गया. एवरी टाइम अ जेट फाइटर फ्लाइज, वो वापस आता है, उसकी कुछ तो मेंटेनेंस होती. यहाँ था ही नहीं कोई. एक समीर अमीन है, बहुत बड़े इजिप्शियन फिलोसोफर जो सेनेगाल में रहते थे, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी थी. उन्होंने कहा, the armies of the north will can never deliver freedom to the people of the south. जहां अमेरिका गया है सिवाय तबाही के और कुछ नहीं छोड़ के आया. या तो पूरी सोसाइटी तब्दील करके आया, गुलाम बना के आया, जैसे फिलीपींस में हुआ. जापान के अंदर उसका अलग इंटरेस्ट था टू काउंटर द सोवियत यूनियन. और पाकिस्तान में भी तो रहा ना, 1947 से लेके बिहार बेट के अंदर बेस बनाया पाकिस्तान में, जिससे U-2 जहाज उड़ा. इस पर क्रुश्चेव ने कहा था कि आई विल मेक पिशावर डिसअपीयर फ्रॉम द मैप ऑफ दिस अर्थ. वो अमेरिकाज इंटरेस्ट इज नोबडीज इंटरेस्ट अदर देन द बॉटम लाइन. उसका वॉल स्ट्रीट पे शेयर की वैल्यू क्या है उस कंपनी की? प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक्सप्लेन किया था जब वो प्रेसिडेंट हट रहे थे. ही वॉर्न्ड अगेंस्ट द इमर्जेंस ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन अमेरिका. वो ये कि फौजी कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती हैं आर्मामेंट्स, उनकी फैक्ट्रियां ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई भी हैं कि मेंबर ऑफ कांग्रेस जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, कि अगर कहीं बंद हुई तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट उस कंस्टिट्यूएंसी में होगी कि वो डर जाएगा आदमी, बोला भाई ये चलने दो. तो जंग होना और अमेरिका के पास बम फेंकना और मारना लाजिम है उसकी इकोनॉमी के लिए. हम तो बीच में शेखड़ी मेखड़ी ऐसे ही मर जाते हैं. आ किया वो चले गया. देखिए, वो तालिबान से प्लीड कर रहा है बाइडेन के, देखो यार मारना नहीं यार, हम ना रहे आप पीछे से नहीं मारना यार, हमें दर्द होता है बहुत. एक बेगैरत लोग तालिबान से भीख मांग रहे हैं. तुमने चोरी की अफगानिस्तान की, सारे वो एड का पैसा जो है उसी मर्सनरीज को दे रहे हैं आप, वो पैसा वापस लेके जा रहे हैं. 5,000 गाड़ियों की चाबियां लेके चले गए, वो कैसे सारी जीपें तालिबान को मिल गई? पूछने वाला नहीं कि कहाँ से जा रही थी फौजें इतनी. गधा गाड़ी पे इतनी स्पीड नहीं होती है. टॉप गियर में भी आप गधा गाड़ी चला लीजिए, ऐसी चलती है वो. इनके पास देखिए आसमान से उतर आई रैगने और पाकिस्तान फौज बल्ले बल्ले कर रही है. लाइनें लगी हुई लोगों की पाकिस्तान से जा रहे हैं तालिबान ज्वाइन करने. जुलूस निकला क्वेटा में तालिबान के फेवर में. तो पाकिस्तान को फायदा क्या है ये सब कुछ करके? ये मुस्लिम सारी सारी सारे लोग तो हमें ही ब्लेम कर रहे हैं, FATF में हम फंसे हुए हैं, उसके बाद यही हरकतें. हमको इस्लाम वो हो गया ना, हमने ठेका लिया है लोगों से ये सब करने का, कि हम खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में चली थी ना, तुर्की में थोड़ी चली थी. उसमें गांधी साहब को भी, गांधी जी को भी बेवकूफ बनाया गया था वो ब्रदर्स ने.
अरे ब्रदर, हमारा कीड़ा ये है कि हम उस जमीन से नहीं जुड़े हुए जिस जमीन पे हम पैदा हुए। हम सबकी माँ हिंदू हैं और हम कहते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरी माँ जो है बड़ी, मैं उससे दुश्मनी करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी और सबकी माँ हिंदू है। को फौज, औरतों की फौज तो नहीं आई थी यहाँ मुसलमानों की, जिन्होंने जियालों से शादी करके बच्चे पैदा किए। ऑल ऑफ अस मदर्स एट सम प्लेस आर हिंदूज, बट वी हेट हिंदूज। ऐसी सोसाइटी कैसे थ्राइव करेगी? पंजाब में रहते हैं, उर्दू बोलने का शौक है, इतनी बुरी उर्दू एक्सेंट है कि लोग कॉमेडी की तरफ देखते हैं। सिंधियों को हेट करते हैं क्योंकि सिंधी सिंधी बोलता, पश्तूनों को हेट करते हैं कि अरे वो तो चौकीदार टाइप के लोग हैं, बलोचों को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। बंगाली 10 करोड़ कितने थे, 2 मिलियन, आई फॉरगेट द फिगर, मैसेकर ऑफ बंगाली मुस्लिम्स। आज तक किसी पाकिस्तानी को उस पर कोई अफसोस नहीं। सर अभी जो रिसेंटली सर जो मंदिर तोड़ा गया था उसको इन्होंने रेनोवेट कराया और बड़ा उसका इन्होंने सबको बताया है न्यूज में हर जगह, जी हम तो बड़ा साथ दे रहे हैं माइनॉरिटीज का, लेकिन खैर अभी भी इस वक्त भी एक दो फैमिलीज ऐसी हैं जो इस्लामाबाद आई हुई हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा है, जिनकी बेटियों को उठा के ले गए, उसके ऊपर खैर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन ये बता रहे हैं कि हाँ मंदिर इन्होंने जो है वो रेनोवेट करा दिया दोबारा से, मगर आगे क्या उसकी कोई बात नहीं हो रही है। मगर फिर भी सर यहाँ पर अगर ये तालिबान आ जाते हैं और जैसे पेशावर में भी देखे गए और बलूचिस्तान में भी देखे गए, क्या करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि FATF तो ग्रे से निकाल के हमें ब्लैक में डाल देंगे। ये किसी और के घर चले जाएंगे, ये किसी और के पास जाएंगे। आई हेट टू यूज द वर्ड बट इट इज बिकम अ तवायफ ऑफ द मोहल्ला। वो तो चीन के पास चलेगा, जो पैसे देगा उसके पास पाकिस्तान चला जाता है। इर्तुगाल आ जाए, कोई आ जाए, मलेशिया दे दे, फीजी दे दे, कोई दे दे पैसे, इनको ये हाथ पैरा के पहुंच जाते हैं। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, बट दिस इज अ पीपल विद नो कॉन्शियंस। इनकी मॉरल एथिकल वैल्यूज, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद अली जिना भी देख लीजिए, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं इनका। इनका कुछ नहीं है सिवाय इसके के ठेकेदार बन जाए पूरी इस्लामिक दुनिया के, और चीन जो 1 मिलियन मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा है उससे कह रहे नहीं भाई तू हमारा माई बाप है, पैसे देते जब उनको मार दो क्या फर्क पड़ता है, इतने तो हम फिर पैदा कर लेंगे। वी आर वेरी केयरलेस पीपल, वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन लाइफ। तो मुझे ये बताइए सर कि इस सब में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, क्या इनको ये नहीं लगता कि हर जगह से डोनेशंस बंद हो जाएंगी, चाइना भी अब आंखें दिखा रहा है, चाइना भी कोई बहुत खुश नहीं है पाकिस्तान से, जो ये आसिम सलीम बाजवा वाला केस हुआ था उसके बाद उसने अब रिजाइन किया है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो 2 साल में खत्म किया गया, तो चाइना के साथ भी अब पहले जैसी बात नहीं है। तो बाकी लोग भी अगर FATF में रहे और तालिबान का साथ दिया, क्या इनको और मुश्किलें नहीं आएंगी, इनका सिर्फ भाग जाना तो इनके लिए रास्ता नहीं है। टूट भी सकता है, मतलब अच्छी तरह सिला हुआ कुर्ता जो है उसका बाजू खींचे उधर जाएगा। तो जब आपने बगैर सोचे समझे एक 5,000 साल पुराने हिंदुस्तान को काट के 10 लाख लोगों को मार के उनकी मर्जी के खिलाफ उनको घरों से निकाल के लाहौर मुल्तान आपके रावलपिंडी से हर हिंदू और हर सिख को निकाला, तो कुछ तो ऊपर वाले ने भी सुना होगा। तो देर होती है, अंधेर नहीं है, देर हो जाती, लेकिन वी विल हैव टू पे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग मेलोड्रामेटिक अबाउट इट, बट दीज आर द लॉज ऑफ फिजिक्स। यू असैसिनेटेड, यू मर्डर्ड एंड किल्ड a land that had stood by on its own for 5,000 years, and you tried to impose complete different philosophy and hatred for Hindus as your fundamental policy. तो उनका किसी का भगवान भी है, आपका अल्लाह तो है, तो फिर आपके साथ तो बुरा होगा। और अब तक किसी को होश नहीं आया, आप भी बात कर लीजिए लोग,
तो वो एंड में वही बात होती है, अरे साहब 9/11 में 5,000 यहूदी नहीं आए और फलाने दिन ये हो गया और कश्मीर पे यूं कब्जा हुआ हुआ। किसी को पता ही नहीं है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कोई कुछ पढ़ता नहीं है कि आपने किया क्या है। आपने जब अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे इतना खून बहाया आपकी वजह से, आप तो रह रहे थे, आप तो किसी और के मुल्क में आए थे ना बसने बैठे, आपको किसने तंग किया था? आपने उठा के जो बंगाल में कत्लो गारत हुई है अगस्त की 16 तारीख को 1946, कोई उसको माफ करेगा? और ये तो मैं तो ऐसा वैसा मुसलमान हूँ, ये जो यकीन करते हैं इस्लाम में उनको नहीं होश में आता कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन सर ये तो भूल गए कि ये वही तालिबान है जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को मारा था, एहसानुल्लाह एहसान, और इन्होंने बकायदा ऐलान किया था, मान गए थे कि हमने किया और फिर उसे छोड़ भी दिया, वो गायब भी हो गया। अब वही तालिबान दोबारा आएंगे तो उस आपको नहीं लगता पहले से ज्यादा नुकसान होगा? मुझे लगता है वो स्कूल को गलत स्कूल पे गोलियां चल गई, वो कोई ऐसा शौक नहीं था उनको फौजियों के बच्चे मारने के, बाप को थोड़ी को मारता है अपने जहाँ से पैसा आ रहा है, वो अलग स्टोरी तारीख कभी बताएगी। लेकिन दे विल सफर इमेंसली। देखिए सीधी बात है कि यू आर नॉट अ वायबल इकोनॉमिक स्टेट, आपकी जो रॉ मटेरियल है वो किसी काम की नहीं है, आप जो कॉटन एक्सपोर्ट करते थे उसके रिप्लेसमेंट बन गई है, आपका जो वीट का प्रोडक्शन था वो गिर गया है, आपका मैन पावर किसी काबिल नहीं है, आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से कोई नहीं निकलता, आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ एक ज़माने में मुझे किसी ने 1960 की तस्वीर भेजी एंड साथ लिखा था दैट शी वॉज शॉक टू सी दैट उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में लोग जैकेट और टाई पहन के जाते थे, आज कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं स्पंज की चप्पल के साथ। तो एक डिक्लाइन जब नजर ही ना आए, आप अंधे हैं तो आप क्या करेंगे, ना आप में लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, ना आपके जो नावलिस्ट हैं वो रह नहीं सकते पाकिस्तान में, आप किसी किस्म की अकल की बात करने वाले के लिए पाकिस्तान इज लाइक हेल, चाहे वो आपके परवेज हुड बॉय हों या नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट जो थे, आप किसी को देख लीजिए, कोई शरीफ आदमी रह ही नहीं सकता इसमें जब तक कि वो फौज से कनेक्शन ना हो, उसका ये हो, उसकी पहुंच हो। और जुल्म करना लोगों पे, आपने जाके 10 दिन में कब्जा कर लिया काबुल के ऊपर लोगों की मर्जी के खिलाफ, लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा था या जो भी पार्टियां थी उनकी हुकूमत थी, दे वेंट थ्रू अ प्रोसेस, यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दैट दे हैड विद इन 2 वीक्स, और इस वक्त एक दूसरे को जफियां डाल रहे होंगे पाकिस्तानी फौजी के, देखो साढ़े नाल पंगा लिया सी की किता सी की किता, क्या होगा, फिर थप्पड़ पड़ेगा, फिर सरेंडर कर जाओगे तुम। और यू नो दे आर लकी के इंडिया बड़ा डोसाइल सा मुल्क होता है, रिएक्ट नहीं करता। आज उनका फॉरेन मिनिस्टर हैज गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो लंदन होते हुए गए हैं। ये मजाक है, आपने पूरा एक अफगानिस्तान जैसा मुल्क तैयार करके रख दिया और कहा कि चलो अलकायदा आइसिस आओ, जरा तुम्हें मोजम्बिक में जरूरत है इस्लाम फैलाने की, यहाँ करो, पहले भी आते थे अब फिर आएंगे। लेकिन ये तो हमेशा से यही कहते रहे कि हम अफगानिस्तान में बड़ा अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये झूठ अफगानिस्तान के बोलते हैं। पीस प्रोसेस का हिस्सा हैं हम, इन्होंने ये मैं कहा। लेट मी बी वेरी प्रिसाइस, वो वक्त गया अब बातें करने का। पाकिस्तानीज आर लायर्स, दे आर लायर्स टू देयर ओन चिल्ड्रन, देयर वाइव्स, देयर फैमिलीज, देयर लैंड, देयर मदर टंग, देयर रिलीजन, दे आर इसेंशियली डिसऑनेस्ट एंड दे नो हाउ टू लाई। इनकी सबसे बड़ी काबिलियत ये है कि ये किस तरह झूठ बोल देते हैं, चाहे वो एक इमिग्रेंट हो जो कनाडा में आके इनकम टैक्स ही चोरी करे, या वो जनरल हो जो ऑस्ट्रेलिया में जाके एक जजीरा खरीद ले। इनकी किस्मत में बेईमानी है और ये जाने जाते हैं इस चीज से, इनकी कोई वो नहीं है कि कोई इनको कह के वाओ दैट्स पाकिस्तानी, माय गुडनेस व्हाट अ ग्रेट पीपल।
ये लाइन आपको अगले 500 साल तक नहीं सुनाई देगी, और 500 साल तक तो पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, ये अभी बाजार बंद खुल जाएगा, उधर जाएगा, सब गिर पड़ जाएगा। पीटीएम के सारे लोग जेल में बंद किए हैं आपने, बलोचिस्तान के अंदर आप वो जो डेथ स्क्वाड है शफीक मेंगल का, उसको आपने भेजा अफगानिस्तान में, कि उनका जो बलोच प्रोविंस है निमरूद का, वहां ही अपने डेथ स्क्वाड लेके गया, किसी ने कवर ही नहीं किया। कर क्या बेचारे साफियों को तो नहीं कह सकते आप, सही, बस इजाजत वो नहीं होगी ना, परमिशन भी तो नहीं होती कवर करने की, हर परमिशन बात नहीं होता, कवर कोई नहीं ट्वीट किया जा सकता। तो कर सकता है, कोई कहाँ बच के जाएंगे, लोगों को मार देना, उठा देना, कत्ल कर देना, लड़कियों की पिटाई कर देना, यही यही है ना आपकी। सर इस्लामिक टूरिज्म की बात की है इमरान खान ने, वो कहते अच्छा हैं कि जी मैं इस्लामिक टूरिज्म शुरू करूंगा और सब इस्लामिक कंट्रीज को वो उन्होंने एक तरह की दावत दी है पाकिस्तान में इस्लामिक टूरिज्म, तो ये क्या होती है वैसे इस्लामिक टूरिज्म, मुझे तो नहीं समझ आई। इस्लामिक टूरिज्म तो सऊदी अरेबिया करे ना, जहाँ इस्लाम की बुनियाद, इनका क्या इस्लाम से ताल्लुक है? कत्ल करना इस्लाम का वो है कि आइए हमारे यहाँ देखिए हम कैसे मुसलमानों को मारते हैं, ये देखिए एक शिया जा रहा है, अभी देखिए कैसे इसकी गर्दन कटेगी, ये कटी, और लोग कैमरे से फोटो खींच रहे होंगे, वो देखिए सामने पश्तून जा रहा है, उसको हम नफरत से पठान कहते हैं मजाक उड़ाने के चक्कर में, तो पश्तून इनके मुंह से नहीं निकलता वो हाँ इसी में रह गए, झूठ बोल रहा है। एक आदमी तो अपने आप को कराची का मेयर बताता है हर जगह इंडिया के अंदर, कोई यानी वैल्यू नहीं रही आपकी, आप किसी सूरत जंग की बात नहीं कर सकते, आपको लाहौर फोर्ट का नहीं पता वहां क्यों बना, आपको ये नहीं पता कि रंजीत सिंह कौन था, आपको काला शाह काकू नहीं पता, काला क्यों है, शाह कौन है, काकू कौन है, वी आर नथिंग, वी आर इलिटरेट पीपल हु आर सिंपली रिलाइंग ऑन फेक आइडेंटिटीज। सर एक थोड़े दिनों से मैं देख रही हूँ कि कुछ थोड़ा ये माइनॉरिटीज के ऊपर बड़ा हंगामा इन्होंने मचाया हुआ है, शोज भी कर रहे हैं, टीवी शोज भी कर रहे हैं, एक कमर्शियल भी बनाया है, उसमें एक अकलौता जो है वो सिख है जो कि मीडिया में है, उसको लेकर उसकी फैमिली को दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि जी हम तो बहुत एक जैसा रखते हैं, ऐसा कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि करते नहीं है वो एक एक अलग पिक्चर दिखाई जा रही है, क्या वजह लगती है आपको कि अचानक से इनको इतना प्यार आ रहा है इनको माइनॉरिटी के ऊपर? किसी को ठेका मिला होगा, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी जिसके पप्पू ने जाके बड़े पप्पू से कहा होगा कि सर मैं बताऊं आपको ये चल रहा है आजकल, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, हाँ सर इसमें 25 करोड़ इस पे लगेंगे, उसमें होंगे फलाना, ये गवर्नमेंट के फलाने मिनिस्ट्री का एक कैंपेन चलवा दीजिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को 15% कमीशन मिलती है, प्रोड्यूसर्स को अलग पैसे मिलते हैं, मीडिया को अलग पैसा मिल जाता है, सबको झूठ के इस कचरे में हर कोई खुश है, गटर बह जाए कुछ बह जाए ये बस उसमें डुबकी लगाते रहेंगे कि सर अब ऐड बना दिया आपने पकड़ के, अब मैं इनको डिक्लाइन ही करूं, बेचारे कहाँ कहाँ से लोग फोन कर रहे हैं, हर कोई पूछ रहा अफगानिस्तान में क्या होगा भाई। लेकिन सर अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत तेजी से नहीं बदली है, लोग समझ रहे थे अभी 2 महीने लगेंगे कम अज कम भी कैसे 6 के, ये इनको जाने में, इनके जो सदर हैं कैसे अशरफ गनी के जाएंगे, भागने में, और एकदम से 2 दिन में अचानक ही कुछ क्या काया पलट हो गई। क्या आप देखे ना जादूगर, आपके जनरल्स जो हैं कुछ भी करा सकते हैं, देखे ना भिखारी को सब पता होता है कल कहाँ से पैसे मिलना, आज फलाने घर के अंदर सेठ साहब आए हुए हैं, उनकी खाला भी आई हुई है, तो वहां से पैसे मांग लो, ये दीजा दी स्ट्रीट अर्चन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पाकिस्तानी इलीट है, ये किसी की तबाही मचाना, गुंडागर्दी करना, पैसे आप दे दें वो करा देते हैं, आपने जाके पूरी इनकी फौज भर्ती कराई, इनको ट्रक दिलवाए, ऊपर से वो डफर किस्म के अमेरिकन, तो खैर नकम्मे बुश के बाद तो कोई इलेक्ट ही नहीं कर पाता, इतनी घटिया किस्म की इंटेलेक्ट है अमेरिका के अंदर कि आप चाहें तो ऑनेस्ट टू गॉड पैसा खर्च के किसी कांग्रेसमैन को अपना अपनी बात कहलवा सकते हैं, मुझे दो तीन इंसिडेंट्स पता है जिसमें सिर्फ खाने पीने के अंदर ही
एक इंडियन है जो पाकिस्तानियों की बात करता है ओरेगन ये इट्स अ सैड स्टेट ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1990 कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद गटर के अंदर बह गई कि ना कुछ सियासी सोच पे बहस है ना कुछ और है, बस कौन किसको पैसे कितने खिलाता है उस पे गेम चलती है और कितने वोट डिलीवर करा सकता है. तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो गॉन टू अ लेवल वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट इफेक्टिवली इलेक्ट एनी वन विथ एनी इंटेलेक्ट. यानी ये वो नहीं है जहाँ वो वर्मोंट के सेनेटर इलेक्ट हो जाएं डिलीवर, या जो उनके साथ मैरीलैंड में थी एलिजाबेथ वॉरेन आई थिंक वाज़ द नेम, दे कांट गेट इलेक्टेड, या जो हवाई की है कांग्रेस वुमन आई फॉरगेट हर नेम, बट दे कांट गेट इलेक्टेड बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. वो जो हवाई की हैं वो तो दो दफा इराक के अंदर फौजी ड्यूटी भी करके आई हैं एंड नोबडी लिसन्स टू देम. और बेकार किस्म के कंप्लीट लूजर वो जो खातून है जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई है, अजीब सा जाली कह के लगाने वाली, शी इज बिकम वाइस प्रेसिडेंट एंड कंप्लीट लाइंग कंप्लीट फेक आइडेंटिटी. तो वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू गेटिंग पॉलिटिशियंस हु डू नॉट हैव अ विजन. ये सारी दुनिया में ये हो रहा है. लेकिन सर आपको नहीं लगता कि हम, खैर हिंदुस्तान पाकिस्तानियों की तो बात करते हैं, लेकिन जो अमेरिकन और जो यूरोपियन पहले थे, यानी अगर आप 70s में देखें या 60s के टाइम पे देखें, वो उस टाइम से लेके अभी तक ये ज्यादा स्मार्ट हो गए, इनको एशियंस की ज्यादा समझ आ गई है. पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या कोई भी इतनी आसानी से अपनी बात नहीं कह सकता, उनको बेवकूफ नहीं बना सकता, जो हमारे लोग तो खैर बहुत ही जुगाड़ लगाते हैं, तो वो कुछ नहीं हो सकता. आपको नहीं लगता क्या अब उनको हमारी समझ आ गई है? देखें, लेकिन जो उनके कवानीन हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसको तो वो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते ना. तो जो उनके आके उनके आइलैंड्स पे पाकिस्तानी अफगानी और दुनिया भर का जो फेक रेफ्यूजी पैसे खिला के कहाँ कहाँ से बेचारे लोग अपनी मर भी जाते हैं डूबते, वो यूरोप जा रहे हैं. उनके कानून है कि उनका जो आएगा उसको आपको प्रॉपर तरीके से निकाले. वो पाकिस्तान थोड़ी है कि फेंटी ला दे और सुटा, ये थोड़ी होता. नहीं नहीं सर, देखे ना, हमने 20 साल जो है वो ये हमारे कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि 20 साल हम पैसे लेते रहे अमेरिका से और साथ तालिबान का देते रहे. अमेरिका को अब समझ तो आ गई होगी, परवेज मुशर्रफ ने भी माना, कई लोगों ने बात की, बट नहीं समझ में आती. डबल गेम समझ नहीं आई पाकिस्तान की. नो, बिकॉज द पर्सन हु इज इलेक्टेड इज आंसरेबल नॉट टू द कांग्रेस बट टू द लार्ज डोनर्स हु इलेक्ट हिम. अब जो अब बाइडन को देखिए, स्लीपी जो जिसे कहा, और वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, यू थिंक के कुड गेट इलेक्टेड इन सिटी काउंसिलर इलेक्शन इन कसूर? नो, उनको पता ही नहीं है बेचारों को, उनको कुछ आइडिया नहीं कौन सा मुल्क किधर है. वो अपनी बात कर रहे हैं, बेटा उनका पैसे ले रहा चाइना से, हंटर जो है वो केस नहीं खोल रहे. वो दूसरी जो है वो कहती मैं ब्लैक हूं, उसका बाप जो ब्लैक है वो कहता मैं आता ही नहीं हूं, ब्लैक कहां से है, ये तो हिंदू है. मतलब वी आर इन अ स्टेज, मुझे फ्रांस और जर्मनी में कुछ उम्मीद लगती है कि वहां के सियासतदान या वहां की सियासी पार्टियां आइडियोलॉजिकल बेस पे बहस मुबासा होता है, चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या टेररिज्म है या औरतों, मुसलमान औरतों के लिबास की बहस है, जो हमारे क्यूबेक के अंदर तो आप जॉब नहीं कर सकती पब्लिक सेक्टर में इफ यू आर वेयरिंग अ हिजाब और पगड़ी और एनी थिंग लाइक दैट. बहस तो हो रही है यूरोपियन कैनेडा में भी, इसलिए क्यूबेक में ज्यादा है क्योंकि उसका कुछ फ्रेंच कैरेक्टर है. बट यू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स डम कैप्स जिसकी स्पेलिंग ना आती हो किसी को. वो उन्होंने कश्मीर का पाकिस्तान ने टेक्सस में बैठ के पूरा कॉन्फ्रेंस कर डाली, और 4-5 लीडिंग कांग्रेस वुमेन
वर देयर, दैट मींस आपने किसी ने कुछ दे के बुलाया होगा ना, उनको क्या पड़ी है कि मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है, और आजाद कश्मीर जम्मू का प्रेसिडेंट आ गया वहां पे, इट वाज एस्टोनिशिंग, टेक्सास में हो रहा है, बस करें भाई, आपको सिर्फ उनकी री इलेक्शन बिड के अंदर डोनेशन कौन देता है उससे डिटरमिन होता है कि वो कांग्रेस में किसका साथ देगा। ये दुनिया पूरी भिखारियों के सर्किट से गुजर रही है, जिसमें सोचने पे पाबंदी है, झूठ पे इनाम है, और सबसे बड़ा जो डेंजर है दुनिया को इस वक्त वो जिहादी टेररिज्म से है, उस पे कपड़ा डाल के छुपा दिया जाता है कि बात नहीं कर सके वरना रेसिज्म का इल्जाम लग जाएगा। तो वो मुसलमान जो के वेस्ट के अंदर वेस्टर्न सोसाइटी को एक्सेप्ट करता है, उससे वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट को दुश्मनी है। जो कहते हैं कि 9/11 में जनाब यहूदी तो उस दिन आए नहीं 5,000, हमें तो पता है ना क्या हुआ, वो सब प्यारे हैं डेमोक्रेट पार्टी के, रिपब्लिकन के, क्योंकि वो शक्ल से दिखते मुसलमान है, यानी हिजाबें पहनी हुई हैं और इंग्लिश उनकी बिल्कुल ठीक है, उनसे इनकी हवा गुम होती है। इसीलिए सारी लॉबिंग जो हो रही है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, उनकी लोग बैठे हुए हैं लेफ्टिस्ट पार्टीज के साथ। अब देखिए कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर 3-4 बैठे हुए हैं, दे सपोर्ट द तालिबान, अब क्या कर लेंगे। तो वी हैव कम एट अ थ्रेशोल्ड, अब देखिए आगे आगे क्या होता है, बिल्कुल व्हाट विल हैपन टू रिएक्शन द वर्ल्ड व्हेन ईरान की पे आपकी नजर थी और भूत निकला अफगानिस्तान में। अब जब शिया सुन्नी लड़ाइयां होंगी तो उसका क्या होगा, एक ही मुसलमान है ना, या शिया मुसलमान है या सुन्नी मुसलमान है, नहीं सर दोनों। सर मैं आपसे लास्ट में यही पूछने वाली थी, आखिरी सवाल में यही था कि सऊदी अरब और इसराइल जो है वो आपस में मिलने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे शिया सुन्नी का ही ड्रामा खत्म नहीं होता, तो क्यों? अगर आप इसलिए आप मजहब के हिसाब से दूसरों को पहचान रहे हैं ना, तो सुन्नी तो शिया को मुसलमान मानता ही नहीं है, वो कहता ये यहूदियों की एक साजिश है, और शिया कैसे सुन्नी को मारेगा जो सेलिब्रेट करता है कि माविया ने देखो इमाम हुसैन की गर्दन काट के वहां उसको ठुड्डा मारा। ये यानी दिस अ फंडामेंटल काम, मेरी बीवी शिया है तो मुझे मस्जिद में यहाँ लोगों ने पूछा आप उसको मुसलमान कब करेंगे, कनाडा में हाँ वो कह रहे हैं तारिक फतेह की बीवी जो है शिया है, कब मुसलमान हो रही है। वी आर क्लोज माइंडेड चूटियों जैसे लोग हैं जो अपने आप को हाथी समझते हैं, खाने पीने को है नहीं, भड़कियां मारते हुए गुंडों की तरह इधर उधर घूमते हैं, यूं कर देंगे फलाने को मार देंगे, सट कर देंगे फला। वी आर एट द मोस्ट हु कैन बी बीट, वी कैन बीट आवर वाइव्स, जिसमें हमने कमी छोड़ी नहीं है। आप यहाँ कभी टोरंटो के फैमिली कोर्ट सिस्टम में आके देख लीजिए तो पता चल जाएगा कौन पिट रहा है और कौन पीट रहा है। माशाल्लाह हमारे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे लोगों ने तो मौलवियों ने तो फतवे तक निकाले हुए कि मारा जा सकता है, और उस तरह वीडियोस भी हैं, वीडियोस हैं, फतवा नहीं है, इट्स इन द कुरान, इट सेज स्टेजेस हैं कि ये करो फिर ये करो, फिर सेक्स स्ट्राइक भी कर सकते हैं आप, कि आप उसका बिस्तरा छोड़ के भाग जाए, मैं तो आऊंगा ही नहीं अब तुम्हारे पास, तब भी ना माने फिर चपत लगाइए। मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी लिखा है, तो लमिया कह रहे हैं, तो जब लमिया कह रहे हैं तो ठीक है, अब इसी को काट मत दीजिएगा, ये लगाइएगा। नहीं नहीं सर, मैंने आज तक कोई बात काटी है आपकी, आपको पता है नहीं, आप उसमें कुरान की सूरत का रेफरेंस चाहिए मैं भेज दूंगा आपको, ये लिखा हुआ आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं क्योंकि किसी किसी वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनको दिखाऊंगी क्या बोले कि ये बताइए दो चीजें हैं, एक ये कि कितनी औरतें आप रख सकते हैं, कुरान कहता है कि 1, 2, 3 और 4, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है व्हाट यू राइट हैंड पोजेसेस वो है वो
लड़कियां जो सेक्स स्लेव्स आपकी हैं वो सबको लेके चलो। बाप बड़ा के भैया, अरे आई मीन वो 7वीं सदी का कानून इंप्लीमेंट होने वाला है अफगानिस्तान में। ये तो नहीं, कहीं ना कहीं रोकना। आप देखिए, उन्होंने कहा 15 साल से बड़ी लड़की और 55 ईयर से कम उम्र बेवा उठा लो, ले जाओ और फिर ठेले में बेचो। देने लो, पपड़ी ले लो, ले लो, औरतें बेच रहे हैं, आप खड़े भी बैठी औरतें बैठी हुई। ये आपने ये मुकाम ले आए आप? नहीं ऐसा, लेकिन दुनिया क्या कर रही है? दुनिया इस चीज को रोक क्यों नहीं रही? दुनिया क्यों काबू नहीं कर रही? तालिबान को बैठ के देख रही है? क्यों करेगी? उनकी दुनिया ठीक चल रही है। हमारे यहाँ तो कोई लड़की रात को 2 बजे शॉपिंग करने चले जाए, वापिस आती है, कोई पूछा है? मेरी अपनी डॉटर ऑटिस्टिक है, शी गोज आउट कम्स बैक इन, द होल नेबरहुड नोज अबाउट हर। मजाल है कि कभी कोई ऐसी कोई बात हो? कुछ सिविलाइज्ड कंट्रीज है ना, यहाँ पे एक दूसरे का कचरा साफ कर देते हैं लोग, पार्किंग स्पेस दे देते हैं घर की। आप ये यानी ये देखने के लायक है। मैं मुझे अमेरिका का नहीं पता, कैनेडियन सोसाइटी इज हाईली इवॉल्व एंड मैच्योर पीपल जिनके यहाँ दंगा फसाद का कंसेप्ट नहीं है, जो एक दूसरे से एम्ब्रेस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि क्या हो, ये हो, ठीक हो। मेरे एक साइड पे 2 ईरानियन कपल रहता है और मेरे उल्टे हाथ पे देयर आर 2 सीनियर रिटायर्ड मेन हु आर गे। ये हमारा इमेजिट। एक घर आगे जाइए तो शी इज अ पाकिस्तानी वुमन विद 2 ट्विन्स मैरिड टू अ वाइट मैन। घर के बिल्कुल सामने 2 अमेरिकन्स हैं जिन्होंने आश्रम खोला हुआ अपनी छत पे। दे आर अमेरिकन्स जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो भी हॉलीवुड के। सो डजंट मैटर, वो पूछने आ जाते हैं सब खैरियत है, ठीक है, नहीं है, यू नो। हम बोलने में ज्यादा हैं और अफवाह फैला देंगे। भाई उसके घर से तो कोई निकला नहीं 4 दिन से, कुछ लगता है गड़बड़ चल रही है अंदर। और फिर दरवाजे पर, और कैसी है बाजी, ठीक तो हैं? ताकि जाके गॉसिप शुरू कर दें वो। Somebody has to wake us up, you know, to be human beings for once. प्रॉफिट की बात कर करके हरकत वो करते हैं जो प्रॉफिट की डेथ के बाद हुई। मारा पीटी, कत्लो गारत, चाकू जमीन, ये वो, औरतें भगा के लेके जा रहे हैं, इधर की वो ले गया, वो उधर की वो ले गया। What utter nonsense is this? But फिर कहते हैं कोई कुछ कहे नहीं हमें। हाँ, हम बिल्कुल सही कहा, इस्लामोफोबिया आ जाता है फिर बीच में। थैंक यू सो मच सर, क्या जब आपने ज्वाइन किया, बहुत आप थके हुए नो लेकिन ये के फिर भी बहुत शुक्रिया क्या पाए। थैंक यू, खुश रहिए। थैंक यू। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।